नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए स्प्रे मशीन जो कि नॉर्मल आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। तो प्लांट का काम है या छोटा मोटा कोई सा भी काम होता है तो भाई मतलब पूरा भर के ही नहीं डालना होता है जब घर में लगे होते हैं। तो ये स्प्रे मशीन आपको मात्र बात करो 60-65 रुपए की मिल जाती है, जिसमें आपको इंडिविजुअल कोई भी बोतल, जैसे कि आप पेप्सी की 1 लीटर की या 2 लीटर की बोतल मंगाते रहते हैं, हमने 2 लीटर की बोतल का इस्तेमाल किया। तो गाइस इसे कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसके अंदर प्रेशर में आता हूँ, प्रेशर दिखाऊँ तो मैं कितना होगा इसके अंदर, 100 भाई। तो यहाँ पे इसे बंद कर देते हैं दोबारा, और कैसे इसके अंदर प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये होता है इसका प्रेशर रिलीज करने वाला, मतलब पानी निकलता है और नॉर्मल हम पंपिंग करेंगे इसमें। जितना प्रेशर क्रिएट कर लिया बोतल दबी की नहीं, और ये देख सकते हैं आप पानी टपकता हुआ। और अब इसका रियल यूज करके देखते हैं पेड़ों पे। तो दोस्तों यहाँ पे तुलसी का पेड़ आप देख रहे हैं, तो पहले इसमें थोड़ा और प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं वैसे इस तरह। तो इस पहले इस नोजल का मैं बता दूँ, यहाँ पे बिल्कुल हमने बिल्कुल टाइट कर रखा है तो इसमें इस तरीके से निकलता है, और हम इसे बिल्कुल ढीला कर दें। तो धार तरीके से निकलती है और ढीला करेंगे तो हम बिल्कुल टाइट रखते हैं इसे, क्योंकि जितना पानी का फुहारा निकलेगा उतना पत्तों के लिए या मतलब धूप वूप ज़्यादा टाइट पड़ती है तो उसके लिए भी ठंडा रखते हैं, जैसे कि तो आप देखेंगे यहाँ पे पानी गिरना शुरू हो गया, मतलब बहुत अच्छी तरीके से हमने उसे भिगो दिया पेड़ को। ये पेड़ देखेंगे एंड ये हम फुहारा मार के दिखा रहे हैं आपको, इस तरीके से गीले हो जाते हैं। और सभी पेड़ों पे हम गीला कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक हाथ पे कर सकते हैं, सभी पेड़ों पे हम गीला बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से आप मतलब 60-65 रुपये खर्च करते हैं, तो घर में प्लांट हो या मतलब छोटा मोटा आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रखी हो या वहाँ पे लिमिटेड पानी डालना हो सुबह शाम, तो ये इससे ज़्यादा बेस्ट कोई और चीज़ नहीं होती। और कैसे खोल के नॉर्मली बात बोतल का, पहले प्रेशर रिलीज कर लेते हैं, प्रॉपर निकाल लेते हैं, और नहीं निकले तो हम हल्का सा खोल के तेज वाला, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि पानी खत्म हो गया है तो आप देखेंगे यहाँ पे पानी डालेंगे तो ये निकल रहा है। तो यहाँ पे इसे आप ढीला कर सकते हैं क्योंकि तो इसमें अभी गैस नहीं बची है, और नॉर्मली बस ये जरूर ध्यान रखिएगा इसके अंदर एक रबड़ होती है, क्योंकि ये रबड़ आपने खो दी कहीं भी तो इसमें गैस नहीं बन पाई है, और जिससे दोबारा से फिल करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।